जी आपके कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, बोल रहे हो आपकी ना ये कंस्ट्रक्शन की ब्लॉग से थोड़े से आप ना बोर होने लग गए हो, डेली डेली वही चीज़ें चल रही है रिपीटेशन में, तो बस प्लीज़ एक दो दिन मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मेरा बस दो दिन का काम हो रहा है, उसके बाद देखिए घर का एक प्रॉपर थोड़ा सेट कर लूँ मैं, घर पूरा सेट हो जाएगा, पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, अच्छी अच्छी कुकिंग की वीडियोज़ भी ले आऊँगी। तो एक बार तो अभी घर इतना बिखरा हुआ है, कुछ और काम करने का मन भी नहीं होता है, सच बताऊं तो ऐसे ही, मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हो जब घर की कंडीशन ऐसी हो रखी हो तो क्या मन करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए टाइल ना डेली जैसे एक डेढ़ दीवार में टाइल लग जाती है, तो देखिए दो दीवार हो रखी थी, ये रसोई के साथ वाली दीवार थी, देखिए यहाँ पर भी टाइल कंप्लीट हो गई थी, तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके की टाइल लगने के बाद दिखाई दे रही है, मैं आपको नज़दीक से क्लोजअप से दिखाने लग रही हूँ, तो अच्छी लग रही है वैसे तो, ये देख लीजिए कलर भी मुझे टाइल का बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। और आपके कुछ कॉमेंट्स आ रहे थे कि ऊपर का जो पेंट है वो टाइल के साथ मिसमैच हो रखा है, तो पता है मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि देखिए जब मैं कमरे में एंटर करूं तो मुझे, जब मैं नीचे की तरफ नजर डालूं तो मुझे ऐसी फीलिंग आए कि मैं किसी ना अलग ही जगह पे रह रही हूँ, मतलब आप समझिए कि कोई हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो टाइप, मतलब पुराने टाइम में रह रही हूँ। और जब मैं थोड़ा ऊपर की तरफ देखूँ तो ऐसा लगे कि मैं किसी मॉडर्न घर में रह रही हूँ, तो मैंने ना मॉडर्न और क्लासिक का ना पूरा कॉम्बिनेशन बनाया है। देखिए नीचे क्लासिक टाइल लगवाई है और ऊपर का जो मेरा पोर्शन है वो काफ़ी मैंने मॉडर्न सा रखा है आज के ज़माने का, तो इस तरीके से थोड़ा सा सोच समझ के किया है। तो यहाँ पे देखिए भैया लोग क्या कर रहे हैं, पानी की तराई करने लग रहे हैं, ये करनी ज़रूरी होती है टाइल के लिए, तो ये देखिए। और ये जो आप कह रहे थे ना कि ये निशान वगैरह ये सब हो जाएगा, उसका सामान आएगा, और यहाँ पे देखिए विहान बाबू मेरा सो गया था, और ये जो ऊपर का है ना टाइल का, ये सारा ना इसका वो आएगा प्लास्टर वगैरह का, उससे ठीक हो जाएगा, तो फिर बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक बार तो मैं अभी थोड़े से अपने बाल वाल वाऊँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत उलझ रहे हैं। दोपहर के करीबन 2 बज रहे हैं, हाँ 2 ही बज रहे हैं, क्योंकि अभी भैया और का लंच ख़त्म हुआ है, और मैं बैठी यहाँ पे करीबन 5-10 मिनट से अपने बाल कोम करने लग रही थी, बाल बाके, फिर मैं मेरे भाई के साथ एक बार अभी बाज़ार जा रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्लैंकेट ले लिया है, और विहान की टोपी और उसकी जुराबे विहान को उसके मामू कार में तैयार करने लग रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई मुझे आज मनाने के लिए लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, बाकी खाने पीने का कुछ प्रोग्राम होगा बस, और तो क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इतना काम हो गया, और आई होप सो जब हम वापस आएंगे तो ये दीवार हमें कंप्लीट मिलेगी। तो चलिए हम निकलते हैं यहाँ से। मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी आसान नहीं होता घर का, ये जितना भी काम मैंने करवाया है, हमने करवाया है, मतलब अब ऐसे हो रखा है घर इतना फैल जाता है ना, मतलब ऐसे हो रखा होता है कब सिमटेगा कब ठीक होगा, अजीब सा फील होता है पूरा बिखरे हुए घर में, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है जी। यहाँ से आप देख लीजिए मैं कहाँ जा रही हूँ मेरे भाई के साथ, हम कहाँ जाएंगे, होटल में कहाँ जाएंगे, वो मेरे वीडियो मेरे भाई के चैनल अंकुर भारद्वाज पे देख लीजिएगा। मैं यहाँ से सीधा अब घर जाके घर की सफाइयों में जुटूंगी, क्योंकि घर बहुत मैसी हो रखा है। तो जी कल लाइव में आप में से किसी का कमेंट आ रहा था जो कह रहा था कि ना आपका भैया आपकी ना इंसल्ट करता है, मतलब कह के कि हाँ निधि की चॉइस बेकार है ऐसी है, तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली। पता है क्या बात है कि उसका टेस्ट अलग है, देखो घर के मामले में उसको जैसे उसने ग्रे शेड पसंद किया था, मेरा टेस्ट अलग है, मुझे थोड़ा सा विलेज लुक जो होती है वो चाहिए थी अपने घर में, जो गांव की लुक होती है देसी लुक होती है मेरे को, मतलब एंटीक या कुछ लगा लो क्लासिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाली टाइल लगवाई थी, मतलब पसंद करी थी मुझे ना, मतलब उसको मॉडर्न लुक पसंद है मुझे क्लासी, तो बिल्कुल ही हम दोनों की पसंद अलग है। तो जी 4:30 बज चुके हैं, और आपको पता है फिर धीरे धीरे शाम हो रही है, सर्दियों का टाइम है तो ठंड होनी शुरू हो जाएगी, तो मैं इसलिए क्या कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपको पता है काम अभी चल रहा है, मैं अभी ये थोड़े से बर्तन है मैं लाइट जलाती हूँ, वैसे अंधेरा ही है अभी किचन में, इतना तेज ज़्यादा रोशनी नहीं है, देखो कुछ भी रोशनी नहीं है किचन में, तो मैं ये बर्तन सारे ऑफ कैमरा धो देती हूँ, क्योंकि फिर वही है मम्मी रात को किचन में घुस जाते हैं कि हाँ चल बर्तन धोते हैं, तो मैं सारे धो के लगा देती हूँ, किचन सेट हो जाएगी।
आप देख लीजिए किचन की प्रॉपर मैंने सफाई कर दी है। ये देखो आप सारे बर्तन धो दिए हैं, यहाँ पे देखिए धो धो के पूरे इस टोकरे में लगा दिए हैं मैंने। और ये देखिए कांच के गिलास धो दिए हैं, यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है, रात को कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी होती है। और इसमें दूध रखा है, पतीला मैं मंगवाऊँगी, खरीदने पड़ेंगे, मेरे पास पतीले हैं नहीं शायद, हाँ नहीं है, कुछ बर्तनों की कमी है जिनकी वजह से देखो ऐसे कढ़ाई में दूध गर्म करना पड़ रहा है। कढ़ाई मेरे पास दो हैं पर मेरे पास देख लो पतीला नहीं है दूध उबालने के लिए, छोट मतलब थोड़ा मीडियम साइज़ का हो, या तो मम्मी के घर पे एक्स्ट्रा होगा तो मैं वहाँ से ले आऊँगी। और ये कैसरोल का डब्बा भी मैंने अभी मंगवाए थे, इनकी भी ज़रूरत पड़ गई थी। ये देखो इसमें भी आपको दूध मिलेगा, मतलब कुकर में कढ़ाई में ऐसी चीज़ों में हम दूध रख रहे हैं, तो सोच के देखिए अभी कितना सामान अभी किचन का नहीं है मेरे पास, मुझे लाना होगा। तो ये देखिए आप किचन का कर दिया है मैंने, अब कम से कम ये है ना ठंड में मम्मी हाथ नहीं डालेंगे पानी में, अभी दिन का टाइम है वैसे भी, तो ये ना फ्लक्चुएशन जो आपको दिख रही है ना लाइट की ब्लिंकिंग, वो इसकी वजह से हो रही है। ये मैंने यहाँ पे एलईडी लाइट लगा रखी है रोशनी के लिए घर में, अब मैं इसको बंद कर दूंगी ना, दिखाती हूँ मैं आपको, फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगी। ये देखिए आप अब काफ़ी कम हो गई है, ये देखो, बट फिर भी रोशनी के लिए मैं लगा देती हूँ, बट देखते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी और विहान क्या कर रहे हैं, पहले तो आप कमरे की हालत देख लीजिए अभी। ये अभी तो लगेगा, कल का दिन तो पूरा ही लगना है। अरे ये खुलता ये ना बहुत, अरे मेरा तो खुल भी नहीं रहा मुझसे तो, भैया खोलना जरा, ये पता नहीं कैसे एकदम से होता नहीं टाइट बंद हो जाता है, क्या है ये जाम सा होने लग गया है ना। हाँ अब खुला, तो देखते हैं चलिए मम्मी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जी कमरे से थोड़ा दूर जाना होता है, हाँ जी मम्मी को फिर देख लीजिए, आपने देखा नहीं है शायद, हाँ हाँ एक मिनट दीजिए। तो यहाँ पे मम्मी यहाँ की सफाई करने में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे चूहे हो गए हैं ना मम्मा। मम्मी कह रहे हैं कि मेरी वो सिलाई मशीन थोड़ी सी कुतर दी है चूहों ने, उसमें अपना घर बना लिया था। यहाँ पे आप देखिए कोने में मेरी सिलाई मशीन होगी, आपको शायद याद भी हो। तो मम्मी कह रहे हैं एक बार थोड़ा सा इसको करते हैं, संभालना पड़ेगा। तो मैंने मम्मी इतने यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की सफाई में लगे हुए थे और मैंने अपना बर्तन वर्तन धो लिया। हाँ जी भैया क्या बोल रहे हो आप, पैसे दे दो, हम थोड़ा दूर जाना होता है। हाँ हाँ नहीं ठीक है ठीक है, खराब हो रहा है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, कितने देने हैं भैया टोटल बताओ। टोटल हो गए आपको 2800। ठीक है 2800 अभी दे, 2870 ठीक है, मैं अभी देती हूँ आपको 70 तो फिर ले लूंगा, 2800 ठीक है अभी देती हूँ भैया। तो जी यहाँ पे आप देख लीजिए भैया लोग अभी जाने लग रहे हैं क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं, 5 बजे 8 से 5 का टाइम होता है और 1 घंटा बीच में ब्रेक होता है। तो ये देखिए भैया ने कितना काम किया, मैं आपको फिनिशिंग दिखा रही हूँ अभी। ये चीज़ की आपके कमेंट आ रहे थे ना कि इस चीज़ का क्या बनेगा, तो इसके ऊपर क्या लगेगा भैया, आपने क्या बताया था, सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट लग के ये पूरा कवर हो जाएगा, तो हो जाएगा। ये देखिए मुझे पसंद था, हाँ जी हाँ जी हाँ, कहाँ भाग गया ये, साइकिल ले चलाने की जिद कर रहा है, इसकी साइकिल में काम करती हूँ, इसको बाहर ले जाती हूँ और इसको साइकिल चलवाती हूँ। आजा बेटा थोड़ी देर अभी शाम को, क्योंकि काम होते रहेंगे, थोड़ा बच्चे का भी बाहर निकलना घूमना जरूरी है। तो मम्मा यही है, मैं साथ में हूँ, नहीं 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 छुएगा ये, अपनी साइकिल चलाएगा बस। चलो बेटा साइकिल में बैठो, साइकिल सवारी, गुड, चलो टोपी लाती हूँ गई भाई जी, होल्डिंग पे है, हाँ ये रही ये रही ये रही, मैं इसको टोपी और पहना देती हूँ, जरूरी है ना ठंड का टाइम है क्योंकि अब शाम होने लग गई है। हाँ ये देखिए यहाँ होल्डिंग पे रखी है टोपी, और ये देखिए मेरा बाबू चला रहा है साइकिल, या बच्चे इस टाइम खेलने लग रहे हैं, देखिए कितना शोर हो रखा है, आ गई गुड़िया, गुड़िया भी आ गई खेलने बाबू के साथ, मैं खेल लूं। ये देखिए जी, ओ बेटा देखो ये बाबू, ये देखो पीछे रख दिया है साइकिल में, और ये साइकिलिंग साइकिलिंग हो रही है यहाँ बच्चों की। विहान बेटा पानी तो आप हटा दो, हाँ हटा देंगे।
तो जी ये यही टाइम होता है छोटे बच्चों का, थोड़ा मोटर स्किल्स इंप्रूव होएगी, थोड़ा बच्चा बाहर घूलेगा मिलेगा, पर इतना नहीं निकाल सकती हूँ, बस अब 2-3 दिन की बात है, फिर से घर में बंद हो जाएंगे बच्चे, बस यही। हाँ हाँ बच्चे पानी में जूते खड्डे कर दिए आपने, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इसको इधर आ जाओ बेटा, चलो 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 चलो। हाँ तो मैं यही बोल रही थी हंडी कि ना अब जैसे अब अच्छा लगता है, देखो बच्चे को भी पसंद आता है थोड़ा बाहर निकलना घूमना, लेकिन अब क्या करें, मैं पूरा मतलब विहान जब हुआ था मतलब कोरोना के टाइम में हुआ, तो उसके बाद से अब तक इसको ढंग से हम बाहर नहीं निकाल पाए, बच्चों के साथ घुलना मिलना कुछ भी नहीं हुआ, और अब फिर से इसको अंदर ही अंदर रखा करेंगे। मतलब मन तो करता है, देखो अच्छा लगता है छोटे बच्चे खेलते हैं थोड़ा साइकिल करें, लेकिन कैसे निकालें, डर लगता है, अब केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर से बच्चों को तो बाहर नहीं निकाल सकते, बच्चों को तो इंजेक्शन भी नहीं लगा हुआ, तो बस 1-2 दिन में मैं फिर से विहान को अंदर ही करूँगी। देखिए छोटा सा पप्पी है। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।